हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोटो को कैसे इंस्टाग्राम रील वीडियो में चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उस रील को कैसे वायरल कर सकते हैं, ये भी टेक्निक बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल पर। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ गया हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ ओपन करूँगा इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो राइट में कॉर्नर में दिख रहा है मेरा होम स्क्रीन, मैं होम पेज वहाँ पर चलूँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा पेज है ARP ग्लोबल टेक, आप इसको फॉलो भी कर लेना। अब मैं जो ऊपर वाला प्लस बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं रील पर क्लिक करता हूँ। अब रील पर क्लिक करने के बाद से मैं एक AI के थ्रू पिक्चर जनरेट किया हूँ, जो काफ़ी अच्छा पिक्चर है। तो मैं उसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा अभी वो कौन सा AI टूल है, तो आप उससे भी उसके थ्रू आप देख लेना। तो देखिए पिक्चर कितना अच्छा बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा AI टूल है। तो मैं यहाँ पर AI टूल पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा ब्यूटीफुल कपल ऑन ए मोटरसाइकिल। आप देखिए मतलब कितना अच्छा कपल का पिक्चर इसने जनरेट कर दिया है। बहुत सारे कपल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जनरेट कर दिया है। तो इस AI टूल का नाम है Deco Hair AI। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा पिक्चर दिखने में लग रहा है। अब मैं इसके इन्हेंस को बढ़ाता हूँ। देखिए इसमें इन्हेंस का ऑप्शन है, मैं इसके इन्हेंस 5 कर दिया, और ओके करने के बाद से मेरा पिक्चर जो है जनरेट होने लगा है। तो आप देखिए मेरा नीचे में थोड़ी देर में जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे में साइड स्क्रीन में मेरा जनरेट होने लगा है। तो अब ये मेरा जनरेट भी हो चुका है। अब देखिए मैं इसको ओपन करूँगा। तो मैं इस ओपन में क्लिक कर दिया, और देखिए मैं इसका आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिक्चर जनरेट किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अब डाउनलोड करने के बाद से मेरा ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो मैं अब चलूँगा अपने जो मेन स्क्रीन था उस पर, मैं अब चलता हूँ वहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ कि मैं क्या करना है। जो मैं आ गया हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं इसको स्वाइप अप करूँगा, ऊपर की ओर जाऊँगा। तो मैं इसको ऊपर की ओर क्लिक करता हूँ। मेरा ये 5 सेकेंड का रील है, तो मैं इसको और इनक्रीज करता हूँ। तो साइड में प्लस पर क्लिक करके मैंने इसको और बढ़ा दिया है यहाँ पर। अब इनमें क्लिक करता हूँ इसी पिक्चर को फिर से दोबारा। तो मैं इसी पिक्चर को फिर से अपलोड करता हूँ। तो अब मैं रील 10 सेकंड का हो गया, फिर से एक बार मैं और करूँगा ताकि रील मेरा जो है 15 सेकंड का हो जाए। तो देखिए मैंने फिर से इसको एक बार और अपलोड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 सेकंड का एक तरह का वीडियो बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेन हमारा होम स्क्रीन है उस पर मैं ऊपर में क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर में इसका मेन बटन है ना, जो बीच वाला, उस पर मैं क्लिक किया, और उसके बाद से जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। और मैं फिर से उसी पिक्चर को एक बार और अपलोड करूँगा। तो ये वाला पिक्चर जो है उस पिक्चर के ऊपर में आ गया है। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर पर क्लिक करता हूँ सिंपल सा। तो मैंने क्लिक किया, तो आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आकार भी बहुत तरह से बन सकते हैं। तो मैंने एक दिल वाला ही रख लिया, और इसको मूव कर मैंने ऊपर कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा देखने में लग रहा है ये वाला। तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इफेक्ट पर चलता हूँ। अब मैं इसके जो इफेक्ट में ऊपर में दिख रहा है आपको राइट साइड से सेकेंड वाला ऑप्शन, मैं उस पर आप क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर सारे एक एक अगर चेक करता हूँ, तो देख सकते हैं कि अलग अलग इफेक्ट डालने पर अलग अलग इसमें बन रहा है पिक्चर। तो मैं कलर शिफ्ट वाला इफेक्ट चूज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चूज किया, और देखिए काफ़ी अच्छा है देखने में लग रहा है। तो मतलब एक तरह का एक पिक्चर था सिंपल सा। आप देखिए ये 15 सेकेंड का पूरा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि और कुछ ऐड करना है, जैसे मैं टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर यहाँ से कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ ARP ग्लोबल टेक। तो मैंने इसको यहाँ से लिख कर उसके बाद डाउन कर दिया। अब इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा, कहीं भी साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं इस पर आप। तो मैं इसको नीचे रख लेता हूँ। अब आपको क्या करना है इंस्टाग्राम रील को वायरल करने के लिए, आपको सॉन्ग चूज करना है जो ट्रेंडिंग में हो। तो एक सॉन्ग है चलते रहे इश्क में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैं उसको सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो तेरे इश्क मैंने इतना ही लिखा, तो आप देख सकते हैं कि ये सॉन्ग जो ऊपर में आ चुका है। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप इस सॉन्ग को थोड़ा सुन भी सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि शायद कॉपीराइट भी आ जाए। तो मैं इसको अब इसके बाद इसको क्या करूँगा, ओके करने के बाद से मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इसमें टाइटल में आप कुछ भी कैप्शन दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया। अब उसके बाद से क्या करना है, सिंपल सा मेरा रील जो हो अपलोड होने लगा है। तो ऐसे आपको अपलोड करना है रील, और देखिए मेरा रील अपलोड हो चुका है। तो ऐसे आपका रील वायरल हो सकता है, और एक पिक्चर से आप पूरा रील भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा देखने में लग रहा है मेरा रील। तो आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, और जाकर आप अपने पेज पर रील बनाइए।
और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।